अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अली राजपूत फ्रॉम shalmistore.com। जैसे कि अपने कस्टमर के लिए बहुत सारे लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू लेके आता हूँ, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ MI का एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। व्यूअर्स, बहुत से मेरे पास कस्टमर थे जो मेरे से दूसरे एंड्रॉयड बॉक्स परचेज करते थे, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि आप MI के एंड्रॉयड बॉक्स का भी रिव्यू करें। सो आज मैं उनके लिए लेकर आया हूँ MI के बॉक्स का रिव्यू। सो आज इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, उसके अलावा इसके फीचर्स को भी डिस्कवर करेंगे, देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा स्पेशल है कि बहुत सारी इसकी डिमांड थी। वैसे तो व्यूअर्स, ये होता है 2GB 8GB, मार्केट में तो इस टाइम इससे ज़्यादा हाईली स्पेसिफिकेशन के भी बॉक्स आ रहे हैं, बट ये एक कंपनी इसको रिप्रेजेंट करती है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, MI की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हर कोई इसको जानता है, हर कोई इससे फेमिलियर है, क्योंकि ये TV, मोबाइल, कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, बहुत सारी एसेसरीज में इस टाइम ये कंपनी इन है। सो व्यूअर्स, इसके अलावा ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाती है कि जो बहुत ही इम्प्रेसिव होते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी होती है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह इनका जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है वो भी आई होप कि ये बहुत ही अच्छा बॉक्स होगा, क्योंकि ये 4K अल्ट्रा HD होता है। उसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ा आपको फीचर्स मिलता है वो मिलता है मोबाइल मिररिंग का। आप अपने मोबाइल की मिररिंग कर सकते हैं विदाउट एनी मीरा कास्टिंग वगैरह, आप इसके थ्रू ही अपने मोबाइल की मिररिंग कर सकते हैं। और द सेकंड बिगेस्ट इसमें जो फीचर है वो ये है कि आपको मिलता है वॉइस कंट्रोल रिमोट। यूट्यूबर्स, अगर आप जो भी बोलें वही जो गूगल असिस्ट करने वाला जो रिमोट होता है वो आपको इसके साथ मिलता है, वॉइस नेविगेशन वाला रिमोट आपको इसके साथ मिलता है, जो सिर्फ इस टाइम मार्केट में सिर्फ इस एंड्रॉयड बॉक्स के ही साथ आता है और किसी भी एंड्रॉयड TV बॉक्स के साथ नहीं आता। व्यूअर्स, इसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, सो वो चलते हैं। इसको LCD के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके अलावा इसको चलाते कैसे हैं, वो सारा रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो व्यूअर्स, इसके बॉक्स की तरफ चलते हैं, इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो इसके ऊपर क्रोम कास्टिंग का जो फीचर है वो मेंशन है, जो कि फ्री होता है, 4K Ultra HD होता है। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट मीन टू से कि वॉइस कंट्रोल रिमोट होता है इसके अंदर, 4K Ultra HD, सेट ऑफ बॉक्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, रेडबुल, ये इसमें बिल्ट इन होते हैं, Spotify, ये भी ऐप्स इसमें आपको बिल्ट इन मिलती हैं, 3000 चैनल आपको मिलते हैं, फ्री HDMI केबल मिलती है इसके अंदर। सो व्यूअर्स, ये इसके साइड पे भी मेंशन किया गया है कि जो इसके बॉक्स में आता है HDMI केबल अडॉप्टर, मेन बॉक्स और ये HDMI केबल। सो व्यूअर्स, देख सकते हैं कि ये इसका बॉक्स है, ये इस टाइम सील्ड पैक है, ये इसके बैक साइड पे कुछ बारकोड मैन्युफैक्चर कोड दिए गए हैं, और यहाँ पर भी इसके कुछ फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है विद डिस्क्रिप्शन के। सो व्यूअर्स, चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले देख सकते हैं, ये हमारा मेन कंपोनेंट है जो कि MI का Mi X एंड्रॉयड बॉक्स है, 2GB और 8GB में आता है। फिर इसकी बैक साइड पे देखें तो आपको 4 पोर्ट्स मिलती हैं, जिसमें HDMI है, USB है, अडॉप्टर पोर्ट है, उसके अलावा ऑडियो की पोर्ट है। ये कुछ मैनुअल्स होते हैं जो इसके अंदर आपको मिलते हैं, इनको भी आप रीड करके इसकी मज़ीद जो डिस्क्रिप्शन होती है उनको आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके अदर फीचर्स हैं, अदर जो इसके साथ एसेसरीज आती हैं उनका भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये 5V का अडॉप्टर होता है जो कि Mi बैंड से ही स्पॉन्सर्ड होता है, Mi ब्रांड से। सो व्यूअर्स, ये इसकी HDMI केबल है और ये इसका वॉइस नेविगेशन रिमोट है। सो व्यूअर्स, ये है वो रिमोट जिसके हर व्यूअर्स को ये वो रिमोट है जिससे आप बोलकर अपनी कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप YouTube पर लिखना चाहें उसको भी आप बोलकर लिख सकते हैं, या कुछ भी आप सर्च करना चाहें तो यहाँ से आप जैसे अपनी वॉइस के थ्रू यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये तो है इसका मेन बॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर USB भी लग जाती है, जो कि मैं अभी आपको लगा के दिखा रहा हूँ। बहुत ईजी होती है, कोई भी आप USB लगा सकते हैं, यहाँ तक कि 1 TB तक की, टेराबाइट की भी आप यहाँ पर एक्सटर्नल हार्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, चलते हैं, इसको TV के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। किसी भी LCD के साथ आप इसको नॉर्मल LCD साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने डॉक्टर का प्लग इन करना है, उसके अलावा जो HDMI की पोर्ट दी गई है वहाँ पर आपने प्लग इन करना है। और आप देख सकते हैं कि Mi का जो MI का जो ब्रांडेड लोगो है वो भी आपको सामने शो हो जाता है इस बॉक्स को स्टार्ट करने के फौरन से बाद। एंड्रॉयड सामने लिखाएगा, उसके बाद व्यूअर्स ये हाई का मैसेज देता है और ये रिमोट में बताता है कि रिमोट में आपके सेल्स डल गए हैं, और ये
जो रिमोट के सेंटर वाला बटन है वो आपने बॉक्स के पास ला के एक बार पुश करना है। आप जैसे ही पुश करते हैं इसकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है, मीन टू से कि ये कनेक्ट हो जाता है। सो बस ये इसका यूज़र इंटरफेस है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही एडवांस है, जो कि आपको पहले किसी एंड्रॉयड बॉक्स में नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पे इसका मेन्यू होता है, आइकन के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी जाती है। सो फिर सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो नेविगेशन वाला सिस्टम है वो आपको चेक करवाता हूँ। ओपन द यूट्यूब गूगल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको कहा ओपन द यूट्यूब गूगल तो इसने फ़ोन से ही यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर दिया है, बगैर किसी कर्सर को हलाए, किसी चीज़ को क्लिक किए, यहाँ तक कि विदाउट एनी टाइपिंग आप देख सकते हैं कि इसने यूट्यूब को ओपन कर दिया है। सो व्यूअर्स इसके अदर फीचर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका वॉइस का बटन होता है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक बार आपने इसको प्रेस करना है, उसके बाद आप जो करना चाहते हैं वो आपने बोलना है। ओपन द नेटफ्लिक्स व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इसको कमांड दी ओपन द नेटफ्लिक्स, तो इसने नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल के नेटफ्लिक्स को यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसमें नेटफ्लिक्स का इन्होंने एक बटन दिया गया हो जहाँ से आप बटन को ऑन करके डायरेक्ट नेटफ्लिक्स तक भी अप्रोच कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने स्पॉन्सर दी हुई है इसके एम आई के बॉक्स में अपने एप्लीकेशन की, जिसकी वजह से इतने इसको फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ तक कि इसके रिमोट में भी इसका बटन दिया गया है। फिर राइट साइड पे आते हैं तो ऐसे इसको वाईफाई से आपने कनेक्ट करना है। सेटिंग्स में आके ये गूगल कास्टिंग का है, ये डिस्प्ले का सेटिंग्स है, आप जो चाहें मर्जी आप सेटिंग्स में जाके आप अपनी जो भी चाहें जिस तरह से चाहें अपने इस एंड्रॉयड बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स जो जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है वो 8.1 है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे बिल्कुल 8.1 इसका ये सॉफ्टवेयर अपडेट है। सो व्यूअर्स नेक्स्ट जो इसका फीचर्स की तरफ चलते हैं, ये एप्लीकेशन में आया हूँ व्यूअर्स, तो इसके अंदर आप थाउजेंड्स की क्वांटिटी में आप चैनल्स देख सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स ये जिनको मिस ऐड किया गया था कि इसमें चैनल्स नहीं चलते, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं चैनल्स लगा के आपको दिखाता हूँ, चेक भी करवाता हूँ। व्यूअर्स ये इसकी जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है रेड बुल की, अगर आप इसको ही यूज़ करें तो इस भी आपको हंड्रेड ऑफ क्वान्टिटीज़ में आपको चैनल मिल जाते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ओपन ही यहाँ पर सोर्स दिया गया हुआ है, जैसे ही आप किसी कैटेगरी को क्लिक करते हैं तो उसी कैटेगरी का चैनल ओपन हो जाता है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चैनल ऑन हो गया है और चैनल की जो हाई डेफिनेशन है, इसकी क्वालिटी है, वो आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स एक और फीचर मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप रेड बुल को यूज़ करें हैं तो अपने रिमोट से आपको बैक नहीं जाना पड़ता, आपने जस्ट रिमोट से राइट क्लिक करना है और आपका चैनल चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी राइट क्लिक किया है और एक कैटेगरी भी चेंज हो गई है, डांस की कैटेगरी आ गई है, जो डांस से रिलेटेड जितने चैनल होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। व्यूअर्स इसी तरह आप इसके मेन्यू में जाके अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी कैटेगरी में जाकर आप कोई से भी चैनल देख सकते हैं, क्रिकेट के भी देख सकते हैं, आप तरह तरह की स्पोर्ट्स के चैनल इसमें आपको अवेलेबल मिलते हैं। व्यूअर्स राउंड अबाउट ऑल ओवर जो स्पोर्ट्स चैनल हैं वो आपको इसमें मिलते हैं, जैसे फार्मूला रेसिंग का ये चैनल है, गेम्स का चैनल है, वो भी आपको इसमें मिलता है। उसके अलावा व्यूअर्स बहुत सारी इसमें क्वान्टिटी के आपको चैनल्स मिल जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि गेमिंग का चैनल है जो कि मैंने इस टाइम ऑन किया है, यहाँ पर आपको गेमिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा एनिमेशंस का चैनल है, कार्टून्स का चैनल है, आप लाइव कुछ भी इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव चल रहा होता है विदाउट एनी बफरिंग। ये आप देख सकते हैं कि गेमिंग का चैनल इस टाइम मैंने स्टार्ट किया है। व्यूअर्स आप चैनल की जो है एफिशिएंसी वो देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ वर्क करता है, बहुत ही लाइटली ये प्ले होता है। इसके अलावा व्यूअर्स जो इसकी अनदर एप्लीकेशन है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, उससे पहले आपको मैं यूट्यूब दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स यूट्यूब पर भी आप वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं जो आप चाहें, लेट्स से मैं आपको करके दिखाता हूँ। व्यूअर्स मैंने अपने जो मेरा चैनल है मैंने उसको यहाँ पर बोल के सर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि वो ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस कोई भी यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ। जैसे व्यूअर्स मेरा चैनल यहाँ पर ओपन हो गया है, मैं चैनल की कोई भी वीडियो प्ले करके आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर भी अगर आपको वीडियो लगाते हैं तो वो बहुत ही हाई डेफिनेशन पर वर्क करता है और विदाउट एनी बफरिंग
आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी प्रिंट ये प्रोवाइड करता है। वैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। इसका YouTube भी, इसके चैनल्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा एक लाइव नेट टीवी की ऐप, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि इससे पहले किसी ने भी आपको इंस्टॉल नहीं करके दिखाई होगी। जो ये फर्स्ट ऐसा मैं बॉक्स यहाँ पर फर्स्ट ऐसा रिव्यू लेके आया हूँ जिसमें MI के बॉक्स में आपको लाइव नेट टीवी की ऐप भी यहाँ पर आपको मैं चला के दिखाता हूँ। तो बस बहुत सारे जो कस्टमर थे वो इस वजह से इसको लेने से डिनाई कर देते थे कि इसमें लाइव नेट टीवी की ऐप नहीं होती। अगर आप मेरे से ऑर्डर करते हैं तो मैं आपको इसमें लाइव नेट टीवी की भी ऐप करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में पाकिस्तानी, इंडियन, यहाँ तक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको चैनल प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि IPTV के थ्रू अगर आप इनको चलाएं तो आपको बहुत सारे पैसे पे करना चाहते हैं मंथली फीस में। बट यहाँ पर मैं आपको फ्री में सब चैनल आपको चला के मैं दिखाता हूँ। लेट्स जैसे मैंने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट का एक चैनल चलाया AR पर जिंदगी, तो आप देख सकते हैं कि जैसे 1 से 2 सेकंड का वेट, उसके बाद आप देख सकते हैं कि चैनल यहाँ पर ऑन हो गया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छी हाई डेफिनेशन में यहाँ पर चलने लग जाता है विदाउट एनी बफरिंग। एंटरटेनमेंट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारे इंडियन चैनल हैं। कलर टीवी बहुत HD की डिमांड है मार्केट में, आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर HD वाला बहुत ही अच्छे प्रिंट में यहाँ पर प्ले हो सकता है। सो फिर इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे चैनल हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सब चैनल्स को कैटेगराइज किया गया है। आप किसी भी कंट्री के चैनल को विज़िट कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के चैनल को विज़िट कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइव चैनल हैं जो लाइव आ रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये चैनल्स की कैटेगरी में मैं न्यूज़ की कैटेगरी में आता हूँ तो यहाँ पर जियो आपको लगा के दिखाता हूँ, जियो न्यूज़, जो कि बहुत ही अच्छी आप देख सकते हैं कि इस टाइम क्वालिटी में ये वर्क करता है। तो व्यूअर्स, आपने न्यूज़ चैनल का भी आपने रिव्यू देख लिया इसी तरह, और इसके अदर स्पोर्ट्स चैनल की भी तरफ चलते हैं। सो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी है। यहाँ पर 10 स्पोर्ट का मैं आपको रिव्यू लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जस्ट क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि 10 स्पोर्ट यहाँ पर ऑन हो जाता है, बहुत ही हाईली डेफिनेशन और विदाउट बफरिंग के यहाँ पर वर्क करता है। सो व्यूअर्स, चैनल की जो इसमें न्यूज़ के जो चैनल हैं वो भी आपने देख लिए, स्पोर्ट्स के चैनल आप देख सकते हैं। इसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटी के जो स्पोर्ट्स चैनल हैं वो भी आपको मिलते हैं। आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं हर कंट्री का आपको न्यूज़ चैनल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप कोई भी चैनल किसी भी वक्त क्लिक करके आप देख सकते हैं। सुबह नेक्स्ट एंटरटेनमेंट है, मूवीज़ चैनल हैं। जो मूवीज़ चैनल हैं वो इस टाइम मैंने ओपन किए हैं। आप मूवीज़ चैनल में जाकर कुछ भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये HBO का मैं आपको इस टाइम रिव्यू दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि HD आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर प्ले किया गया है। इसी तरह आप कोई भी चैनल प्ले कर सकते हैं जब चाहे मर्जी। लाइव चैनल होते हैं, HD चैनल होते हैं, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है, बहुत सारे चैनल्स को ऐड कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, तमिल, पाकिस्तानी, श्रीलंका और ब्राज़ील, इसके अलावा रशियन, व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के यहाँ पर आपको चैनल अवेलेबल मिलते हैं। कार्टून्स के भी आपको चैनल मिलते हैं, उसके अलावा मूवीज़ के भी चैनल आपको मिलते हैं, इटालियन, कुकिंग और रिलीजियन, मदनी चैनल भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसकी भी बहुत डिमांड होती है, कस्टमर स्पेशली पूछते हैं इसमें मदनी चैनल है तो बिल्कुल है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस टाइम। इसके अंदर मूवीज़ की अभी आपको फोल्डर दिया गया है, जो भी मूवीज़ आती हैं मार्केट में वो भी यहाँ पर अपलोड आपको अवेलेबल मिलती हैं। आप किसी भी वक्त कोई भी मूवी को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, जैसे कि आप इस टाइम देख सकते हैं। और जस्ट इंडियन मूवी नहीं, पाकिस्तानी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितनी भी कंट्रीज़ की यहाँ पर आपको मूवीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलती हैं। एनिमेशन मूवीज़, पंजाबी मूवीज़, डब मूवीज़, जो भी आप चाहें व्यूवर्स यहाँ पर सर्च करके आप मूवीज़ देख सकते हैं। लाइक लेट्स सी, जैसे मैंने इस टाइम आपको एनिमेशन मूवीज़ लगा के दिखाई है। सो व्यूवर्स, इसी तरह आप कोई और भी मूवी देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी इंडियन मूवीज़ का रिव्यू लगा के दिखाता हूँ। जैसे इंडियन मूवीज़ की कैटेगरी में यहाँ पर गया हूँ, या मैंने इंडियन मूवीज़ प्ले की है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती है जैसे कि चैनल वर्क करते हैं।
तो बहुत ही अच्छा इनका प्रिंट होता है, बहुत ही HD क्वालिटी में होती हैं, विदाउट एनी बफरिंग, ये भी लैगिंग ये भी बहुत ही अच्छे से प्ले हो जाती हैं। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट इसके जो फीचर्स है उसकी तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी से मैं बाहर आता हूँ। तो उसके अलावा अब मैं आपको जो 4K होता है, 4K जो किस तरह चलता है, 4K डाटा, वो 4K जो फॉर्मेट होता है वो कैसे चलता है, वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। आपने अपनी USB के अंदर पहले से ही 4K डाउनलोड रखना है कुछ भी, और उसको आप यहाँ पर 4K को बहुत ही इजीली यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक पर। आपने MX प्लेयर भी इसमें डाउनलोड करके रखना है। ये देख सकते हैं मैंने 4K का जो क्लिप डाउनलोड करके इसमें रखा था, उसको मैं अभी प्ले करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये भी विदाउट एनी लैगिंग, विदाउट एनी बफरिंग, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्ले होता है। और 4K के रिज़ल्ट का तो एक क्लास ही और होती है, बहुत फाइन रिज़ल्ट होता है। सो व्यूअर्स, आप 4K मूवीज़ डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करके देख सकते हैं, एनिमेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी आपको फॉर्मेट 4K का किसी भी चीज़ में अगर आपको मिलता है तो आप डाउनलोड करके इसमें बहुत ही इजीली आप प्ले कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइम आप देख सकते हैं। ओके, तो आपने देख लिया। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस बॉक्स के अंदर गेम्स भी खेल सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप कोई भी एंड्रॉयड की जो गेम्स होती है उसको आप डाउनलोड करके भी इसमें प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्रॉसी रोड को डाउनलोड करके रखा था, बहुत फेमस गेम है, आप इसको भी इस बॉक्स में प्ले कर सकते हैं, इसी के साथ जो रिमोट आता है उसके साथ बड़ी स्क्रीन पर। जैसे तो बहुत मज़ा आता है इसको प्ले करने में। आप कोई भी मोबाइल गेम्स, कोई भी एंड्रॉयड की गेम इसमें डाउनलोड करके आप प्ले कर सकते हैं इसी रिमोट के थ्रू। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। सो कमेंट में अपना रिव्यू लाजमी दिया गया मुझे, और इस बॉक्स को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, वेबसाइट xiaomistore.com भी विजिट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक कीजिए व्यूअर्स, और वीडियो को देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मैं आगे वीडियोस में लेकर आऊँगा। सो आपकी मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं उसका, जो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके इतने सपोर्ट का। सो व्यूअर्स, इसके अलावा ये कंप्लीट जो मैंने इस टाइम आपको रिव्यू दिया है इस प्रोडक्ट का, आई होप कि ये बहुत ही इसका डिटेल वाइज रिव्यू होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इसको ऑर्डर करना है तो आज ही कॉल कीजिए।